हेलो नमस्कार आदा सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माई चैनल क्लासिक प्राची। आई होप कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैंने एक सीरीज़ निकाली थी बेतुकी बातें विद क्लासिक प्राची, उसमें मैंने अपनी एक स्टोरी शेयर की थी एंड वो स्टोरी थी नोज पियर्सिंग के बारे में। और जब मैंने वो स्टोरी अपनी रिलीज़ करी, मतलब अपडेट करी यूट्यूब पर, उसके बाद मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे नोज पियर्स को लेकर। और उस वीडियो में भी मैंने जिक्र किया था एक स्क्रू नोज़ पिन का। तो पहले मेरे को नहीं मालूम था एक्चुअली में कि एक्चुअल नोज़ जो स्क्रू पिन होती है वो क्या होता है, बिकॉज मैं यूजुअली ऐसे को नोज़ पिन बोलती हूँ एंड ऐसे को नोज़ रिंग बोलती हूँ। तो वो मुझे स्क्रू वाली, क्योंकि मैंने एक एक्चुअली में स्क्रू वाली नोज़ पिन देखी है जिसमें आपको स्क्रू टाइप का मिलता है एंड उसको आपको कसना होता है, तो मुझे लगा मे बी वो है। एंड वो तो मुझे बिल्कुल भी वेयर करनी नहीं आती थी। वेल, जो नॉर्मल नोज़ पिन होती वो भी मुझे सही से वेयर करनी उस टाइम पर नहीं आती थी, ऐसा मैंने कभी किया नहीं था। एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं यहाँ पर आई बटन में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और होपफुली आपको मेरी वो वाली वीडियो पसंद आएगी, अच्छी लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी। उस वीडियो के बाद मैंने थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करी, इस पर ज्ञान प्राप्त किया और अब मैं दूसरी वीडियो लेके आई हूँ। दिस नॉट अ स्टोरी पार्ट, मतलब ये स्टोरी का कोई पार्ट नहीं है, बट जो मैंने सीखा है उसको मैं यहाँ पर बताऊँगी। एंड मैं एक बार इस वीडियो में लेके आई हूँ कि आप कैसे वेयर कर सकते हो स्क्रू वाली नोज पिन, या मेरे सिंपल लैंग्वेज में नोज पिन आप कैसे वेयर कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बट या वीडियो में आगे जाने से पहले सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसको और लोगों को शेयर भी करिएगा एंड इस पर कमेंट भी करिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस थिंग एंड रिगार्डिंग अनदर थिंग्स, और या जो लोग नए हो, जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मैं इसी तरह के कंटेंट जो पोस्ट करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहली चीज़ है कि मैंने अपनी जो मैं पहले ऑलरेडी एक नोज रिंग पहनी हुई थी उसको मैंने रिमूव करके ये वाली नोज रिंग पहनी है, जो कि है डबल तार की नोज रिंग। ये थोड़ी सी मोटी है तो इससे मेरे जो नाक का होल है पियर्सिंग वाला उसको थोड़ा सा बड़ा होने में सहायता मिलेगी। सबसे पहले तो मैं इसको आपके सामने रिमूव करके दिखाती हूँ जिससे आपको पता चल सके कि आप नोज रिंग को किस तरह से रिमूव कर सकते हो, विच इज़ वेरी इजी। एंड वो मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने दिखाया हुआ, बट स्टिल आई एम शोइंग। ये यहाँ पर ये फंसा हुआ है एंड इसको मेरे को पकड़ के खींचना है ताकि दोनों तारों के बीच में डिस्टेंस आ जाए। अब ये खुल गया है एंड इसको बस घुमाते हुए रिमूव कर देना। और अगर आप ये सब चीज़ें इजी नहीं कर सकें तो प्लीज़ अपने किसी बड़े की या फिर अपने भाई बहन मम्मी पापा किसी की भी हेल्प ले लें, बिकॉज पहली बार ये सब चीज़ें करने में सबको डर थोड़ा बहुत तो लगता है। अच्छा, आई एम डूइंग दिस फर्स्ट टाइम, मतलब मैंने पहन के देखा था फिर मैंने उतार दिया था एस, तो फिर से मेरा नाक का छेद ऑब्वियसली छोटा हो गया, बिकॉज बहुत जल्दी ऐसा होता है कि आपकी जो पियर्सिंग होती है वो भर जाती हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं पहली बार पहन ही रही हूँ आपके सामने, मैंने ऑलरेडी पहना है, बट आई डोंट नो कि आएगा सही से कि नहीं आएगा, तो लेट मी ट्राई फर्स्ट। एंड ये देखिए, ये बहुत ही छोटी सी है, आई होप आपको सही से विजिबल हो, क्योंकि मेरे नेल्स इतने बड़े हैं कि कभी कभी ना ये छुप जाती है नाखून के बीच में ही। इट्स टू छोटू सी, तो इसको आपको होल्ड करना है अपने हाथ में। जैसे मेरे तो यहाँ पर नेल्स हैं तो मैं सही से प्रॉपरली इसको इस तरह से होल्ड नहीं कर पाती हूँ समाओ, ठीक है, मतलब होल्ड कर लूँगी लेकिन अब मैं इसे प्रेशराइज करके चीज़ें नहीं कर सकूँगी। देखो गिर रहा है, तो इस वजह से मैं इसको जहाँ से भी कंफर्टेबल हो सकूँ, लाइक यहाँ से अभी ट्राई कर रही हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर ये फंसी हुई है, तो लेट मी ट्राई फर्स्ट लाइक दिस। सी, बस ऐसे सिंपली आपको डाल लेना है एंड उसके बाद हल्का हल्का सा प्रेस करिए एंड या अप्लाई सम ऑयल एंड अगेन इट्स नॉट गोइंग। आप हल्का सा इसको मूवमेंट कराते हुए अंदर ले जाने का ट्राई करें। सोचो, मैंने पहना हुआ था इसको, अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही रिमूव करके अपनी, और ऑलमोस्ट आई थिंक 10-15 दिन मैंने पहना था और थोड़े दिन पहले ही मैंने इसको हटाया है और दूसरी नोज रिंग पहनी है। बट अगेन आई एम फेसिंग द सेम प्रॉब्लम डूड, इट्स टू डिफ़िकल्ट, मतलब इतनी जल्दी आपका जो होल होता है वो भर जाता है। काफ़ी हद तक चली गई है बट अभी बहुत बाकी भी है। अच्छा, ये जो तरीका है वो मेरे साथ अभी नहीं हो जाता है, लोग करते हैं इसी तरीके से, बट इस टाइम पर अभी मेरे से नहीं हो पा रहा है चूंकि, तो एक इसका
ईजीएस्ट तरीका है कि जब भी आपका ये सब चीज़ें ना हो पाए एंड बिगनर्स हैं आप, अभी इतना आपका होल यहाँ पर इतना बड़ा नहीं हो गया है, तो एक दूसरा ऑप्शन है, जिस ऑप्शन से मैंने पहले भी पहना है उस ऑप्शन को मैं फिर से करूँगी। तो इसको हटाते हैं। यहाँ से देखो तो अच्छा खासा बड़ा लग रहा है ना। और ओके, तो ये होती है तल्ली, ठीक है, आप बेस भी बोल सकते हैं, और ये एक तरह का हुक टाइप का होता है जिसके थ्रू आप अपने नोज के पिन को सिक्योर करते हो ऐसे करके। तो ये होता है नीचे के साइड पे। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको पहन लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको भी डालने का मैं ना एक ईजीएस्ट तरीका बताना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे क्या होता है ना कि स्पेशली मेरे लिए, बिकॉज मुझे कैमरे में भी फोकस करना है, कैमरे में आप इतना ऐसे उठा के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा, अनटाइडी सा लग सकता है, और दूसरी चीज़ इतनी छोटी सी होती है, उसके बाद इधर का छेद दिखना इट्स टू डिफिकल्ट। तो एक ईजीएस्ट तरीका होता है जो मैंने ईजाद किया है, कह लो, या मेरी मम्मी ने मुझे बताया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ फिलहाल। तो इसमें क्या है, आप एक ऐसी तरह की कैसी पतली सी सीख ले लीजिए, लाइक करी पत्ते की सीख, मतलब मीठी नीम या नीम की सीख होती है, और नीम कहीं ना कहीं एंटीबैक्टीरियल होती है, तो आपके नाक में ना कोई हार्म भी नहीं करेगी। तो आप इसको सिंपली डाल लो पहले। ओके फाइन, अभी क्या करना है कि ये जो सीख इधर साइड में दिख रही है, आर यू एबल टू सी, या यू आर एबल, तो उसमें इसको डालना है। और अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि जो इंसान अपने आप से ना कर पाए वो प्लीज़ अपने घर वालों की मदद ले ले, जैसे कि मुझे भी लग रहा है कि लेनी पड़ेगी। ये फंस तो गई है, अब इसको धक्का देते हैं। सी, इस तरफ ये निकल आई है पूरी, ठीक है। जब इसको नीचे तो उन्हें धक्का दिया तो ये नीचे से स्टक हो गई। अब हम इसको हटा लेते हैं। अब तल्ली नीचे से पड़ गई, तो देखिए ये ऊपर निकल आई है। अब इसको नीचे से प्रेस भी करे रहिएगा, ठीक है, ताकि इन्हें फिर से नीचे चले जाए। और अब इस पे अपनी ये जो कील है उसको फंसाएंगे। अब ये अगेन हम अपनी कील लेंगे और इसको नीचे से प्रेस करे हुए ही इसको इसमें पहनने का ट्राई करेंगे। प्लीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा, मेरे नेल्स बड़े हैं तो थोड़ा सा मे भी प्रॉब्लम होए। ओके, फंस गई। अब इसको पकड़ के दबा देंगे। जितना दब सके इजीली दोनों तरफ का उसको दबा देना है। आई अंडरस्टैंड मे भी थोड़ा बहुत पेन हो, लेकिन वो पेन बहुत ही लिटिल बिट होता है, बहुत ही मतलब हल्का सा होता है, बिल्कुल माइल्ड सा। आपको बहुत ही आसानी के साथ में एक काम करना होगा कि जब भी आप फ्री हो, आप फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, आप बस ऐसे लीजिए एंड जस्ट डू इट लाइक दिस। विद इन, मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और वो आई थिंक 24 घंटे के अंदर ही मैंने पहन लिया था बस। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि जब भी खाली मिल टाइम मिले जस्ट डू लाइक दिस। ये पहन लिए मैंने, ठीक है, लेकिन ये अभी थोड़ा सा ऊपर ही है, एज मैंने हमने नीचे से ट्राई किया, पर हमने तल्ली डाली है जो उसका बेस होता है एंड उसके बाद ऊपर से लगाया है, इस वजह से ये थोड़ी सी ऊपर ही लगेगी अभी। लेकिन जैसे ही जैसे ये अंदर चली जाएगी तो इसका परफेक्टली हो जाएगा। एंड ये वीडियो फिलहाल के लिए मैं अभी एंड कर रही हूँ, लेकिन लास्ट में इसमें ये मैं पिक्चर एक ज़रूर लगाऊंगी जब मेरी भी ये अंदर चली जाएगी। मतलब पिक्चर लगाऊंगी, वीडियो लगाऊंगी, जो भी होगा मैं ज़रूर लगाऊंगी, ताकि आपको ये होगा कि हाँ भाई मेरी भी खुद की ऐसे ऐसे जाके गई है। ये वीडियो थी कि हाउ यू कैन वेयर अ स्क्रू टाइप नोज पिन। नेक्स्ट टाइम मैं इस तरह की वीडियो डालूंगी कि हाउ टू रिमूव, क्योंकि नॉर्मल इन जनरल होता है कि आप ऐसे करके रिमूव कर लेते हो, बट कभी कभी होता है जो लोग सालों साल पहने रहते हैं उनकी ना नोज पिन स्टक हो जाती है, तो उस जो स्टक नोज पिन है उसको आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हो, उसके लिए भी कुछ मैजिक ट्रिक्स होती है जिसके थ्रू ये रिमूव हो जाएगी विदाउट एनी काइंड ऑफ झंझट। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बट या अगर आपको मेरी ये वीडियो, ये नोज पिन पहनने का तरीका अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो गिव अस बिग थम्स अप, इस पर लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा एंड इस पर भर भर के कमेंट्स भी करिएगा।
एंड अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है उसको प्रेस कर देंगे एंड उसके बगल में एक बेल आइकन आ रहा है टिंग टिंग उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो अभी हम बैठे हुए थे और बात कर रहे थे अपनी फ्रेंड से एंड साथ साथ में एज आई टोल्ड यू कि आई एम डूइंग दिस दिस और ये सडनली चली गई ऑलमोस्ट कि बहुत हल्की सी ऊपर है और ये दिस वन और लगे हाथ मैं अभी बैठी हुई थी तो मैंने अपना लाइनर थोड़ा सा मोटा कर दिया तो आप लोग कहेंगे कि अलग अलग है, नहीं उसी टाइम का है बट मैंने थोड़ा सा मोटा लगा के देखा कि ओहो कैसा लगता है इस टाइम पर। तो मेरा तो आधे घंटे के अंदर ये काम हो गया है, आपको थोड़ा सा मे भी ऊपर नीचे करना पड़े अगर आप फर्स्ट टाइम पहन रहे हैं तो, जैसे मेरा तो इस टाइम आधे घंटे में हो गया बट या जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था फर्स्ट टाइम पहना था तो मुझे भी 24-25 घंटे लग गए थे धीमे धीमे करने में इस तरह से बट या इस टाइम फटाफट हो गया। सो हाउ आई एम लुकिंग, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है या रिंग ज़्यादा अच्छी लग रही थी? बट या मुझे तो नोज रिंग ज़्यादा पसंद है, उसमें मुझे लगता है ना कि मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे पहले से इमेजिनेशन में मुझे बहुत अच्छी लगती थी एंड पहन के देखा तो भी बहुत अच्छी लगती है। वेल आपको क्या अच्छा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर और अब मैं रखती हूँ, बाय बाय। और ये क्लिप मैं बीच में डाल रही हूँ, ठीक है।